क्या भारत ईमार्ट, फ्लिपकार्ट और अमेजोन को टक्कर देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत के सबसे बड़े व्यापारी संगठनों में से एक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ऑनलाइन कारोबारियों को मुकाबला देने के लिए एक देसी ई कॉमर्स पोर्टल बनाने की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि इस पोर्टल में आम दुकानदार निःशुल्क रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, साथ ही इस पोर्टल के द्वारा वो ऑनलाइन कारोबार भी कर सकेंगे। नए साल में इस पोर्टल की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। इसे लेकर कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंदौर के कारोबारी रमेश गुप्ता ने बताया कि कैट के राष्ट्रीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। आम व्यापारियों का अपना ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसकी वजह से आम कारोबारियों को व्यापार करने में आसानी होगी और उनकी निराशा दूर होगी। इस साल दिवाली जैसे त्योहार पर आम व्यापारियों का बिजनेस काफी कम चला, क्योंकि अधिकतर लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी करके अपना सामान मंगवाया, जिसकी वजह से आम कारोबारियों को नुकसान भी झेलना पड़ा। इसका मुकाबला करने के लिए अब ई कॉमर्स पोर्टल बनाने का फैसला लिया गया है। यह बात सामने आई है इंदौर के थोक किराना बाजार सियागंज में पिछले साल के मुकाबले इस साल 40% तक कारोबार में कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स पोर्टल शुरू किए जाने का फैसला लिया गया है। ई कॉमर्स पोर्टल की खास बातें भी आपको बता दें, नए साल में यह पोर्टल बिक्री शुरू कर देगा। 31 दिसंबर तक सभी व्यापारियों को बिना शुल्क के रजिस्ट्रेशन का मौका भी दिया जाएगा। निःशुल्क जुड़कर कारोबारी अपने विभिन्न तरह के सामान इस पर बेच सकेंगे। इंदौर और मध्य प्रदेश के व्यापारियों को जानकारी देकर पोर्टल से जुड़ने के लिए भी अपील की जा रही है। वहीं थोक और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उत्पादकों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका भी मिलेगा।